अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासीद और आप देख रहे हैं स्मार्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दस्तक ऐप जो है इस पर आप रजिस्टर कैसे हो सकते हैं, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये ऐप जो है वो किस मकसद के लिए बनी हुई है। तो ये ऐप जो है बेसिकली केपीके के लोगों के लिए बनी हुई है। केपीके के लोग जो है अपने असला लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, कॉपी टू कार्ड कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो जब ऐप को इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऐप है वो असला लाइसेंस के लिए बनाई हुई है। आप ऑनलाइन घर बैठे जो है वो आप केपीके का असला लाइसेंस बना सकते हैं अगर आप केपीके के रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपका एक एड्रेस भी केपीके का है तो फिर भी जो है आप असला लाइसेंस बना सकते हैं। तो आपने जो है वो इस ऐप में रजिस्टर कैसे होना है, इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जो है वो प्ले स्टोर को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है दस्तक, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है सर्च बार में दस्तक और इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो ये ऐप आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आपने ये ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करनी है खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से है। तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिख के यहाँ पर ऐप में लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रजिस्टर होना है, साइनअप करना है। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइनअप हेयर, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना पूरा नाम लिखना है। अच्छा, जिस बंदे के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने लिए असला लाइसेंस वगैरह या रिन्यू वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है और जितनी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए वरना आगे आपको इशू होंगे। यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम देना है, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करना है, शनाख्ती कार्ड की किस्म, आपको शनाख्ती कार्ड किस किस्म के है, CNSE है, NICOP है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा CNSE मिसाल है तो यहाँ पर हम CNSE सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने CNSE नंबर मतलब कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देनी है और पासवर्ड लिखना है और उसके बाद अपने साइनअप पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी फिल कर लेनी है। तो जल्दी से मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, आपने भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो साइनअप वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो ये नेक्स्ट आ जाएगा, आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये वाली ऐप ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो आपकी ID होती है, उसके अलावा जो है वो नीचे आप देख सकते हैं आर्म्स लेंसेस लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आप जैसे लिखे न्यू लेंसेस, आप यहाँ से नया लेंसेस बना सकते हैं, रिन्यू लेंसेस कर सकते हैं अगर आपका लेंसेस एक्सपायर हो गया। उसके अलावा कॉपी टू कार्ड हो गया है, वेपन चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो गोलियां वो अगर ज़्यादा लेना चाह रहे हैं या डुप्लीकेट बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से सब आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि आप जो है वो यहाँ से ऑनलाइन लेंसेस कैसे बना सकते हैं अगर आप कोई पिस्टल वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपने लिए भी लेंसेस बनाया तो फिर मैं जब बनाऊंगा प्रैक्टिकल तो आप लोग सभी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है कि आप इस ऐप में रजिस्टर हो सकते हैं और ये ऐप किस मकसद के लिए। उसके अलावा ये 3 लेंस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो माई प्रोफाइल है, ई लेंसेस अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो जिसके नाम पर जो है अकाउंट बना हुआ है अगर उसका लेंसेस बना हुआ है तो उसका ई लेंसेस यहाँ पर शो हो जाता है। मेरा कोई बना नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है वो नहीं शो हो रहा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 3 लेंस पर क्लिक करें तो लैंग्वेज सेक्शन है, अबाउट अस टर्म्स एंड कंडीशन, यूज़र गाइड, खैर ये बाकी ऑप्शन कोई अहम नहीं है। ई लेंसेस वाला ऑप्शन जो है वो अहम है, जिसके नाम से जो है वो अगर आप रजिस्टर करते हैं तो अगर उसका लेंसेस बना हुआ है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वाला है, सर्विस लोकेटर वाला ऑप्शन है, ठीक है। खैर ये इंटरफेस है इस ऐप का, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन जो है अगर असला लाइसेंस बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं केपीके का। तो फिलहाल के लिए इतनी, अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।